हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्रेड हार्ट्स ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर हिमानी मैसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लेसन 9 द इंटरनेट वेब ब्राउज़र। बिफोर टू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द इंटरनेट द फर्स्ट क्वेश्चन राइजेज व्हाट इज़ अ नेटवर्क। सपोज योर फैमिली प्लान्स टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस फॉर वेकेशंस टू स्पेंड गुड टाइम विद देम। योर फादर प्लान्स टू गो बाय कार सिंस द प्लेस इज far off and he wants to travel by road, so he will take help of Google Map as it displays the areas connected through network of road. These network help us in traveling from one place to another so that we can meet our friends and relatives living at a far off places. आपकी फैमिली ने एक ट्रिप प्लान करी जहाँ पर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने चाहते हैं, राइट? और इसमें आपने डिसाइड करा कि आप बाय रोड उनको विजिट करने जाएंगे, और इसके लिए आपने क्या करा कि आपने गूगल मैप की हेल्प ली। तो गूगल मैप ने आपकी किस तरह से हेल्प करी? गूगल मैप ने आपको एक पूरा वहाँ आपके घर से ग्रैंड पेरेंट्स तक के घर तक का एक पूरा डिस्टेंस और पूरा मैप आपको शो करा। तो ये कैसे हो सकता है? ये हेल्प होती है जो उस एरिया का नेटवर्क है उसे कनेक्ट करके। वो क्या करते हैं, एक एक एरिया को दूसरे एरिया से वो क्या करता है, कनेक्ट करता जाता है, और आप फाइनली कहाँ जाते हैं, आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे आप जाके मिलते हैं। नाउ कैन यू टेल मी सम अदर वे टू इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रेदर देन मीटिंग देम पर्सनली? येस, इट इज़ पॉसिबल वाया कंप्यूटर और स्मार्टफोन। अगर आप नॉर्मली देखें तो आपको किसी से भी इंटरेक्ट करने के लिए, मिलने के लिए, अपने रिलेटिव से मीट करने के लिए आपको पर्सनली जाके उनसे मिलना होता है। बट इन सच कंडीशंस, लाइक अभी हमारी जो प्रेजेंट कंडीशंस है, वी कांट गो एंड मीट अप फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स पर्सनली। तो हमारे पास अदर वे क्या है उनसे इंटरेक्ट करने का? तो हमारे पास अदर वे है हमारे कंप्यूटर्स एंड हमारे स्मार्टफोन्स। योर कंप्यूटर और स्मार्टफोन can help you in this task only if it is connected to the respective device at the other end. Just as a road network connects various cities and towns, likewise there exists a network that connects different computers with each other. This network is known as the computer network. हमारी ये हेल्प हमारे को कौन करते हैं? हमारे स्मार्टफोन्स और हमारे कंप्यूटर्स हमारी हेल्प करते हैं कि वो हमको क्या कर सकते हैं, हमारे रिलेटिव या फ्रेंड से कनेक्ट करेंगे। बट ये तभी पॉसिबल है जबकि दूसरी डिवाइस में भी, दूसरे फ़ोन में भी वो कनेक्टिविटी हो। जैसे हमने अपने एक रिलेटिव को विजिट करने के लिए हम दूसरी सिटी में गए तो एक रोड दूसरी रोड से कनेक्ट होती हुई हमको हमारे रिलेटिव के पास तक पहुंचा दिया। ऐसे ही क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर में भी किसी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करता जाता है, और इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस नेटवर्क इज नोन एज द कंप्यूटर नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या कहलाता है? यही नेटवर्क क्या कहलाता है? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द इंटरनेट? व्हेन द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर जॉइंट टुगेदर दे फॉर्म अ बिगर नेटवर्क कॉल्ड द इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द होल वर्ल्ड and made computer the more effective communication tools. The internet not only contains huge variety of information but also provide new ways of interacting and connecting with people. जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, देन दे क्रिएट अ नेटवर्क। जब हम डिफरेंट प्लेसेस के नेटवर्क्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, देन इट क्रिएट्स अ ह्यूज नेटवर्क, एंड दिस ह्यूज नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, मींस इंटरनेशनल नेटवर्किंग। यहाँ पे इंटरनेट में हमारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, सबको हम क्या करते हैं, एक जगह पे कनेक्ट कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फीचर, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट जो पूरे वर्ल्ड में है, एकदम रेवोल्यूशनाइज हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया है कि कंप्यूटर की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। नाउ वी कैन ईजीली कम्युनिकेट विथ एनी वन इन अराउंड द वर्ल्ड, इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पर भी हो, कोई भी पर्सन है, हम उससे ईजीली क्या कर सकते हैं, हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इस वजह से क्या है कि जो इंटरनेट है उसकी वैल्यू या उसकी इम्पोर्टेंस जो है आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इंटरनेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इंटरेक्शन कराने के लिए ही हेल्प करता है, बट इंटरनेट इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग द
ह्यूज वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब आपको विद इन अ सेकेंड आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन्स पे अवेलेबल होती है। तो सिर्फ इसका एक वे ये नहीं होता है कि वो इंटरेक्ट ही कराता है, राइट? इट इज़ प्रोवाइडिंग योर इन्फॉर्मेशंस, इट हेल्प्स यू टू इंटरेक्ट टू अदर पर्सन, एंड बिसाइड्स दिस यू कैन इवन इंटरेक्ट टू डिफरेंट न्यू पीपल। आप नए लोगों को भी इसके थ्रू जान सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द इंटरनेट, इट इज़ कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड और टू रीड द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। In 1965-69, when the man walked on the moon, the US Defense Department set an advanced research project agency, ARPANET, for further research. They designed a network of four computers to exchange and share their data. This network was called ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Later, many universities were allowed to join this network and share the information. When first man stepped on moon in 1969, उस टाइम पे US डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसपे ओनली उन्होंने फोर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया था एक दूसरे से, ताकि वो अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। उनको मैनुअली उन्हें एक्सचेंज ना करना पड़े, कंप्यूटर से कंप्यूटर ही वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए। और ये जो प्रोजेक्ट था, दिस प्रोजेक्ट यूज कॉल्ड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ARPANET नेटवर्क। एंड लेटर ऑन उन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को, फोर यूनिवर्सिटीज़ की संग इसको शेयर किया था इस इन्फॉर्मेशन को, और बाद में धीरे धीरे ये जो चीज़ थी ये आगे बढ़ती चली गई। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स विच ग्रो बिगर डे बाई डे एंड गेव बर्थ टू द इंटरनेट, द टेक्नोलॉजी विच हैज़ रेडिकली चेंज आवर लाइफ। Earlier, the internet was used by engineers, scientists, and computer experts for research purpose, but gradually the network was made accessible to private agencies and the general public. People started using it for sending messages and files between any two computers. अर्लियर जो ये जब ये स्टार्ट हुआ था नेटवर्क, तब ये सिर्फ छोटा सा एक कंप्यूटर नेटवर्क था, लेकिन धीरे धीरे इस पर और यूनिवर्सिटीज़ कनेक्ट होती गई और ये इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा एक इंटरनेट बन गया। और इसकी वजह से आज की हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुकी है। अर्लियर टाइम पे इसको सिर्फ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो कि रिसर्च करते थे, जिन्हें अपना डेटा एक्सचेंज करना होता था, सिर्फ वही लोग यूज़ करते थे। एक्सेसिबिलिटी कॉमन पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं थी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे ये स्प्रेड होती गई नॉलेज, एक दूसरे के संग हम इस नॉलेज को शेयर करते गए, धीरे धीरे क्या होता गया कि सारे कंप्यूटर्स जो थे, हर इंसान जो था, हर कंप्यूटर जो था, वो कनेक्ट होता चला गया। एंड फाइनली हमारे पास एक इंटरनेट जैसी ह्यूज बॉडी, एक ह्यूज नेटवर्क वर्क निकल करके आया। अब इसके बाद ये जो था कॉमन पीपल के लिए, नाउ अब क्या होने लगा कि जो एक कॉमन पर्सन था वो भी मैसेजेस को सेंड रिसीव कर सकता था, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता था। दिस वॉज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट। इन आर नेक्स्ट क्लासेस विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट फीचर्स रिलेटेड टू इंटरनेट। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।